नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। कुंभ राशि 9 अप्रैल 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 6:05 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:39 PM पर, तिथि है कृष्ण पक्ष द्वितीया, नक्षत्र है स्वाति, योग हर्षण और आपकी चंद्र राशि है तुला, और अभिजीत मुहूर्त जो है आपका 11:58 AM से लेकर 12:48 PM तक, राहु काल रहेगा 1:57 दोपहर से लेकर 3:31 दोपहर तक, और नक्षत्र है स्वाति। तो गुरुवार वाला दिन है, तो आइए जानते हैं किस प्रकार का दिन बीतेगा। और यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। और ये जो पांचांग है इसका जो समय है, और ये राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का जो समय है, ये आपके शहर के अनुसार 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राहु काल में नहीं करने होते हैं कोई भी महत्वपूर्ण काम और शुभ काम, और अभिजीत मुहूर्त में हमें कर लेने होते हैं सभी शुभ और महत्वपूर्ण काम। अगर आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आपका आज का दिन मंगलकारी बीते, आप लोग घर पर ही रह के अपने घर को घर पर सेलिब्रेट करें अपने जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी को, और भगवान का आशीर्वाद लें, बड़ों का आशीर्वाद लें, और खूब बढ़िया से आपका दिन बीते, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अब बात करते हैं आज के टोटके की, आज के कुछ उपाय की। देखिए, आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव से सभी लोग जो हैं डरते हैं, उनके मन में एक भ्रम है कि शनिदेव परेशान करते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। कई बार हमारी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बेहतर नहीं होती है, कई बार वो पीड़ित होते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। और शनि का काम है कर्मों के आधार पे रिजल्ट देना, तो कर्म जैसे वैसे फल। तो पहले कर्मों को सुधार लेंगे तो शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रह ना कोई अच्छा है ना कोई खराब है, ग्रह जो है अपनी जब स्थिति में आते हैं वक्त के अनुसार और आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो आप एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी ग्रह ना बुरा है ना अच्छा है, ना अच्छा है ना बुरा है। आपको कोई ग्रह अच्छे रिजल्ट दे सकता है, वही ग्रह दूसरे को बुरे रिजल्ट भी दे सकता है। तो बस आप अपनी कर्मों को सुधारिए और अच्छे काम करते रहिए, और जो ईश्वर संदेश देता है, जो ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है, उस पर चलते रहिए। बस आप इतना ही अगर कर लें तो आपको हर ग्रह के अच्छे परिणाम मिलने तय हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की शनिदेव की कृपा पाने के लिए, शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए और शनिदेव का डर खत्म करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे शनिदेव को मित्र बनाया जा सके और कोई खर्चा भी ना हो और बड़े आराम से हम ये काम कर सकें। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद से ही कर सकते हैं, वो ये है कि घर के भी जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें, आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। आशीर्वाद लेने का मतलब है उनसे अच्छे से बात करें, उनसे उनकी सेवा करें, उनसे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, तो शनि देव खुश हो जाएंगे। आशीर्वाद लेने का मतलब ये नहीं कि एक तरफ आप उनको गाली देते रहिए, उनको सताते रहिए और जाके पैर छू लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब है सेवा करिए, उनकी जरूरतों को पूरा करिए, और जैसे उन्होंने बचपन में आपको सहारा दिया था वैसे ही आप भी अब आप उनका सहारा बनिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। नंबर 2, भैरव बाबा के मंदिर में जाइए, शराब चढ़ाइए। कोई भी शराब हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, शराब चढ़ाना है, भैरव बाबा का आशीर्वाद लेना है, शराब पीना नहीं है। नंबर 3, श्रद्धा पूर्वक उड़द की दाल तवा, जिसपे हम लोग रोटी बनाते हैं वो लोहे का तवा, चकला और बेलन जिसमें रोटी बेलते हैं और सब कुछ करते हैं, चिमटा लोहे का हो, लोहे का चिमटा हो गया, और तिल जो तिल का तेल होता है इसका हमें दान करना चाहिए जरूरतमंद गरीब लोगों को। नंबर 4, गेहूं, उड़द, चना, जौ, तिल को चक्की में पिसवा कर एक बराबर बराबर मात्रा में पिसवा लीजिए, और फिर इसका आटा बन जाएगा। इस आटे में थोड़ा सा पानी मिलाइए, मतलब रोज के हिसाब से थोड़ा आटा लीजिए, थोड़ा पानी मिलाइए, उसका गोलियां बनाइए और जहां मछलियां होती हैं उन मछलियों को खिलाइए, इससे आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 5, तेल, शराब, तेल या शराब दोनों में से कोई एक चीज ले लीजिए, सरसों का तेल हो या शराब कोई सी भी, उसको बहते हुए पानी में सावधानी पूर्वक बहाइए। पानी के बीच में जाके नहीं बहाना है, पानी कहीं पे नदी नला तालाब हो और नहर हो तो साइड में बैठकर सुरक्षित तरीके से
अपने आप को बचाते हुए थोड़ी सी शराब या तेल को पानी के बहते हुए बहाव की तरफ बहा दीजिए। ये गलती मत करिएगा कि नदी में कूद जाइएगा और वहां पर बहाने की कोशिश करिएगा। तो साइड में सुरक्षित होके बहाइएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा और शनिदेव से प्रार्थना करते रहिएगा। सरसों के तेल लीजिए को लीजिएगा और किसी कटोरी में ले, कांसे की कटोरी हो तो और बढ़िया रहेगा। उसमें थोड़ा जो तेल होगा, तेल को थोड़ा सा शांत हो जाने दीजिए, हिलता डुलता ना हो, और उसमें अपना पूरा चेहरा देखिए। और चेहरा देखने के बाद जो शनि का दान लेने वाले उचित लोग होते हैं उनको वो दान कर दीजिए, तो आपको बहुत बढ़िया लाभ मिल जाएगा। तो ये जो आपको मैंने आपको करीब 5-6 प्रयोग जो मैंने आपको बताए, ये प्रयोग करने से शनि देव की कृपा भी बरसती है, शनि देव मित्र भी बनते हैं। और यदि शनि का कोई भी बुरा प्रभाव आपकी कुंडली के ऊपर है या आपके जीवन के ऊपर है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। सरल उपाय हैं लेकिन हर एक उपाय काम का है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। चंद्रमा नवे भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा आपको कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहन देंगे कि उठो बेटा, उठो, काम करो। बहुत दिन हो गए घर पे, अगर आप बैठे हैं तो अब उठिए, दिमाग लगाइए, सोचिए। अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज में लिखते हैं कि सर आप राशिफल बताते हैं बहुत अच्छा होगा, यहाँ तो लॉकडाउन है, हम घर में बैठे हुए हैं तो क्या अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। अरे साहब, घर में बैठ के दिमाग तो चलता है, घर पे बैठ के दिमाग से सोचिए कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, प्लानिंग बनाइए। सारे काम क्या एक ही दिन में कर लेते थे? पहले कहते थे कि वक्त नहीं मिलता है, वक्त मिले तो दुनिया में मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊं। अब जब वक्त मिल गया है तो कहते हैं कि साहब होगा कैसे। तो ये जो उदाहरण है, ये जो आपके एक्सक्यूज हैं, ये आप किसी को मत दे, खास करके मुझे तो समझ में नहीं आते। अब वक्त मिला है कुछ बढ़िया करने का, कुछ सोचने का। आपने कभी कहा, लोग कहते हैं कि वक्त मिला होता तो ये पढ़ाई कर लेते, वक्त मिला होता तो ये 10 दिन का कोर्स कंप्लीट कर लेते। अरे ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, अब मौका मिल गया ना, वक्त मिल गया। तो अभी ऐसा तो हुआ नहीं कि आपको के पास सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। और कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ और अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, या जो भी कुछ बढ़िया सोच लेंगे, तो जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी तो उस समय में आप जाके बहुत बढ़िया काम कर लेंगे या कर लेंगी। तो सीखने का, समझने का, एक दूसरे के साथ बैठकर आइडिया शेयर करने का वक्त मिला है, इस वक्त को यूटिलाइज करिए। ये मत कहिए कि घर पे बैठे हैं, घर पे तो बैठे ही हैं, लेकिन घर पे बैठ के कुछ करिए और दिमाग को चलाइए तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो आज के दिन से ही शुरू कर लीजिए, जो बीत गया सो बीत गया। तो आज का दिन जो है आपको मेहनत करने के लिए, उठने के लिए प्रोत्साहित करेगा। थोड़ी सी हिम्मत आप दिखाइए और थोड़ी सी हिम्मत वक्त दिखाएगा और खड़े हो जाइए। आपके द्वारा किए गए काम की खूब तारीफ होगी। आप किसी काम को लेकर थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो वो आपके कदम चूमेगी, थोड़ी सी मेहनत पर भी आपको सफलता मिलेगी, बस आपको करना है। आप अपनी कार्य क्षमता और अपनी ताकत और बुद्धि को पहचानने और आपके अंदर जो दम है उस दम को लगा दीजिए, आप सारी दुनिया आपको आपके इर्द गिर्द नजर आएगी, यानी कि आप सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे अगर आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो आज से ही। और आपको बस उठना है, तैयार होना है, काम करना है। आज चंद्रमा नवम भाव में, कहते हैं जब भी चंद्रमा नवम भाव में होता है तो कहता है कि मेहनत करो, मेहनत मेहनत जितनी होगी उतना फल मिलेगा। भाग्य के भरोसे इतने दिन से बैठे थे, कुछ हाथ नहीं आया, आज भाग्य का सहारा छोड़ो, आज मेहनत का दामन पकड़ो और फिर भाग्य अपने आप आके चिपक जाएगा मेहनत के साथ। तो आज मेहनत करिए, भाग्य अपने आप आपके साथ आके चिपक जाएगा। और एक बात और जान लीजिए, बस आपको नकारात्मक सोच से बचना है, ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, आपको सिर्फ यही सोचना है कि होगा और जरूर होगा। तो इस सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, ईश्वर में विश्वास रखिए, धर्म कर्म में आज आपको मन लगेगा, ईश्वर की कृपा से आपकी सभी काम बनते चले जाएंगे, आपको भाग्य और मेहनत के साथ से उन्नति और प्रगति का रास्ता देखने को मिलेगा। जो लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, सेना है, नेता है, अभिनेता है, या जो भी लोग जिस भी तरीके से सड़कों पर उतर कर काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बढ़िया है। उनकी मेहनत रंग जरूर लेके आएगी और आगे आने वाला भविष्य उनका सुनहरा होगा। तो आज आपको नाकामी नहीं मिलेगी अगर आप काम करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, सरकार के द्वारा आपको कोई प्रोत्साहन मिल सकता है, आपके काम की तारीफ हो सकती है, आपकी पीठ थपथपाई जा सकती है, बड़े अधिकारियों के द्वारा आपके काम को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, शाबाशी मिल सकती है, आपकी संतान लायक होगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी, यात्रा का मन होगा, आज घूमने फिरने का मन करेगा। जो लोग घर पे बैठे हैं कि चलो बाहर जाके थोड़ा सा घूम आए, चलो बाहर जाके थोड़ी चाट पकौड़ी खाएं, लेकिन सिर्फ मन ही होगा, जा नहीं पाएंगे, तो
मन तो कहीं भी पहुंच जाता है, तो घर शरीर को घर पे रखिए और मन को चाट पकौड़ी की दुकान पे पहुंचा दीजिए और मन को घुमा लाइए, लेकिन शरीर को घर पे ही रखिएगा। तो इस तरीके का आज आपका मन हो सकता है। जीवन साथी के साथ नोक झोंक मत करें और मानसिक चिंताएं जो भी थोड़ी बहुत हो उनको दूर करने की कोशिश करिएगा। सावधानी से आज आप अगर दिन को बिताएंगे तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। नौकरी व्यापार में सब कुछ शानदार रहेगा और बहुत सारे परिवारों में सुख शांति का माहौल आज रहने वाला है। धर्म कर्म ईश्वर में आपकी रुचि रहेगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपको धन भी प्राप्त होगा। सरकार के द्वारा भी आपको मान सम्मान धन प्राप्ति का संकेत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संतान आज आपकी बढ़िया है, वो आपको निराश नहीं करेगी। नकारात्मक सोच से बचना होगा और बस इतना जान लीजिए कि जो लोग प्रेम संबंधों में है वो लोग भी आज बढ़िया तरीके से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा शब्दों को सोच समझ के बोलिएगा ताकि कोई नोक झोंक वाली बात ना हो पाए। तो आज आपको मेहनत करनी है, सकारात्मक विचार रखने हैं। नाकामी आज आपसे बहुत दूर रहने वाली है। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उठिए, सोचिए, जानिए, अपने अंदर की क्षमताओं को निकालिए और कुछ ऐसा करिए कि आगे आने वाला वक्त आपको सलाम करे। और ये वक्त है, खाली बैठने का वक्त नहीं है, ये वक्त है कुछ करने का, कुछ सोचने का, कुछ जानने का, कुछ समझने का। जब से आपने जन्म लिया है, क्या कभी आपको इतना टाइम मिला अपने लिए? नहीं मिला। अब मिला है तो यूटिलाइज कर लीजिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और एक बात और बता दूं, अभी आराम करेंगे तो आगे आने वाले वक्त में थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आराम की आदत पड़ जाएगी। अभी अगर दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखेंगे तो आगे आने वाले वक्त में घोड़े की तरीके से दौड़ेंगे और एक लंबी रेस को जीत कर नाम मान सम्मान सब कुछ कमाएंगे। तो रुकना नहीं है, चलना है और चलते रहिए। आज का दिन आपके लिए हर तरीके से बेहतर है, अगर आप इसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए और खूब बढ़िया तरीके से अपने माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़िए। गायत्री मंत्र का पाठ करिए तो आपका दिन बहुत बेहतर जाएगा और आगे आने वाला वक्त भी बेहतर है। मैं पहले ही आपको एडवांस से बता देता हूँ, उसका राशिफल भी आपको मिल जाएगा जल्द ही। तो आनंद में रहिए और अपनी राशि का रक्षा कवच प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या, कोई परेशानी है, चाहे आप देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, तो कुंडली की विवेचना कराने के लिए हमसे संपर्क करें और हम आपको निश्चित तौर पे वही मार्ग बताएंगे जो वह सरल होगा, अच्छा होगा और सत्य होगा और आपको प्रगति देगा और जीवन में आप तरक्की कर पाए। हरिओम, नमस्कार।